अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा जी, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो नॉर्मल अप्लाई किया हुआ है और वो चाह रहे हैं कि वो अपना पासपोर्ट 2 दिन में हासिल कर लें। तो जी ये है जी हमारा प्यारा पाकिस्तान, जब तक यहाँ पे आप पैसे नहीं दिखाएंगे तो आपको कोई सलाम भी नहीं करेगा। खैर, अब बात करते हैं पासपोर्ट हासिल करने की। टू दी पॉइंट बात करूँगा ताकि आपका कम से कम वक्त ले सकूँ। आपने करना क्या है जी, आपने अगर अप्लाई किया है नॉर्मल पासपोर्ट तो आपको नॉर्मल पासपोर्ट कम से कम मिलेगा जी 1 महीने में, भले आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में चले जाएं या जहां भी चले जाएं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है पासपोर्ट ऑफिस में। अच्छा, और अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो 1 हफ्ते की बजाय वो मिल रहा है आपको 15 से 16 दिनों में। आपने करना क्या है, सपोज़ अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है नॉर्मल, और अगर आपको सपोज़ मैं अपना बताता हूँ कि हमने 3 अगस्त को अप्लाई किया था नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी 22 तारीख को आपकी डिलीवरी है। तो जब हम 22 को डिलीवरी के लिए गए तो उन्होंने कहा जी 3 सितंबर को पता करें, रश बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई किए हुए पासपोर्ट्स हैं उनको 15 दिन की बजाय 1 महीना लग रहा है, और अर्जेंट वालों को 1 हफ्ते की बजाय 16 दिन। आपने करना क्या है, अगर आपको नॉर्मल वाला पासपोर्ट अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट से भी ज़्यादा टाइम पर, आपने जाना है जी उसी ब्रांच में, अपना टोकन नंबर साथ ले जाना है। उनको कहना है जी हमने अपना पासपोर्ट फास्ट ट्रैक अप्लाई करना है। फास्ट ट्रैक जो होता है वो आपको 2 दिन में मिल जाता है। आपने करना क्या है, अपना वो टोकन ले जाना है, उसी ब्रांच में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे होते हैं, आपने उनसे कहना है जी हमें लेटर लिख दें, 7,000 का वाउचर लेना है उसी वक्त। भले आपने पहले 6,000 लगाए हैं, 7,000 लगाए हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाके आपने जी बड़े पैसे लगा दिए जी, बड़ा जल्दी आ जाता है पासपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने एक लेटर बनवाना है, उस लेटर में ये लिखा होगा कि जी आपको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पासपोर्ट जो है फास्ट ट्रैक के थ्रू इशू किया जाए। अच्छा, आपने वो लेटर बनवाना है। लेटर बनवा के आपने, हम गए थे इस्लामाबाद की ब्लू एरिया वाली ब्रांच में, ब्लू एरिया वाली ब्रांच में गए थे, वहाँ से हमने ये लेटर बनवाया। लेटर बनवाने के बाद वहाँ के एक डायरेक्टर होते हैं, वहीं उसी ब्रांच में बैठे होते हैं, उनसे साइन करवाया। फिर वो कह रहे थे कि जी हम इसको TCS के थ्रू डिस्पैच नहीं करना चाहते, आप लोग ऐसा करें इसको अभी इस लेटर को टोकन समेत ले जाएं, G81 जो पासपोर्ट ऑफिस की ब्रांच है उसमें सबमिट करा दें, प्रोडक्शन टीम उनकी वहाँ बैठती है तो वो आपको बता देगी कि वो कितने दिन में भेज देंगे। हमने वो लेटर बनवाया ब्लू एरिया वाली ब्रांच से, उसके बाद हमने वो उसी तरह उस लेटर को लिया। ये 22 तारीख की बात बता रहा हूँ, 22 अगस्त की। 3 अगस्त को हमने अप्लाई किया था नॉर्मल पासपोर्ट, लेकिन हमें वो 22 अगस्त की डिलीवरी डेट लिखी होने के बावजूद वो नहीं मिला, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस में रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो फिर हमने वो क्या किया जी, पासपोर्ट का जो है वो टोकन नंबर, एक लेटर वो लिया, और उसके बाद हम चले गए सीधे G81 जो इनकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो ब्रांच है, वहाँ पर हमने जाके जमा करवाया। तो उन्होंने बोला जी आपका 2 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट उसी ब्रांच में पहुँच जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई किया है। खैर, 3 अगस्त को हमने अप्लाई किया था, 22 अगस्त को डिलीवरी थी, नॉर्मल पासपोर्ट था, नॉर्मल जो है वो 15 की बजाय 1 महीने में आ रहा है, और अर्जेंट वाला जो है जो आप 1 हफ्ते के लिए अप्लाई करते हैं वो 1 हफ्ते की बजाय 15 से 16 दिन ले रहा है। ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए, फास्ट ट्रैक का ऑप्शन लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन अपना वक्त बचाएँ और जल्दी से जल्दी पासपोर्ट हासिल करके इस मुल्क से रफू चक्कर हो जाए। अच्छा, तो आज है 24 अगस्त, हमने 3 अगस्त को अप्लाई किया था, 22 अगस्त को डिलीवरी थी, 22 अगस्त को ही हमने उसी वक्त नॉर्मल से फास्ट ट्रैक अप्लाई किया, G81 में अपना लेटर ड्रॉप किया, और आज 24 अगस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पासपोर्ट जो हम रिसीव कर चुके हैं। तो जो लोग अपना पासपोर्ट जल्दी से जल्दी रिसीव करना चाहते हैं वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करें, और जिन्होंने अगर 5-6 हज़ार रुपया दिया हुआ है पहले नॉर्मल फीस पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, उनको 7,000 रुपया और देना पड़ेगा। हमारा तकरीबन लग गया है तकरीबन 13,000। तो पाकिस्तान है भाई, पैसे तो लगाने पड़ेंगे, बाहर जाना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।